गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टू द फ्लोरा अकेडमी. आई एम इंग्लिश टीचर जी एल बाथम. तो चलिए आज हम ऑनलाइन क्लासेस की ओर चलते हैं. जब यहाँ पर सभी थे तब हम ऑफलाइन थे, और जब यहाँ पर कोई भी नहीं चेयर्स पे तब ऑनलाइन है. शब्दों को देखिए, बड़े ही असमंजस की बात है कि सभी सबके सामने हम ऑफलाइन हैं, और जब कोई नहीं है तो उस समय ऑनलाइन है. सबके सामने लाइन से हटे होते हैं, और जब कोई नहीं होता है तो लाइन पर होते हैं. ऑफलाइन ऑनलाइन, तो चलिए लाइन पर आ जाते हैं. तो स्पोकन के आज के हमारे जो सेंटेंसेस हैं, तो लिसन केयरफुली. हमारा आज का जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है कि सभी कपड़े प्रेस कर लो, सभी कपड़े प्रेस कर लो. तो इसके लिए हम प्रेस करने के लिए हम आयरन वर्ड का यूज़ करते हैं. किसका? आयरन. तो आयरन द क्लॉथ, सभी कपड़े प्रेस कर लो. तो यहाँ पे सभी के लिए ऑल यूज़ करेंगे. आयरन ऑल द क्लॉथ, क्या यूज़ करेंगे? आयरन ऑल द क्लॉथ. नेक्स्ट सेंटेंस है आपका कि बाल बना लो. तो यहाँ पे बाल बनाना, बनाने के लिए हम कॉम वर्ड का यूज़ करते हैं, सी ओ एम बी. तो इसमें बी साइलेंट रहता है, तो ध्यान रखिए कॉम द हेयर. ठीक है, कॉम द हेयर. नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस है आपका कि उसे जाने दो. उसे जाने के लिए हम लेट हिम गो, उसे जाने दो. लेट हिम गो, उन्हें जाने दो. लेट हिम, लेट देम गो, उसे जाने दो. अगर यहाँ पे लड़के की बात है तो लेट हर गो, लड़के की बात है तो लेट हिम गो, और उनकी बात है तो लेट देम गो. नेक्स्ट सेंटेंस है आपका कि थोड़ा पानी और मिला दो. अगर किसी चीज़ में पानी ऐड करना है तो थोड़ा पानी और मिला दो. इसके लिए पानी थोड़ा और मिलाने के लिए हम ऐड वर्ड का यूज़ करते हैं. किसी चीज़ को मिलाना ऐड होता है, तो ऐड अ लिटल मो वाटर. क्या? ऐड अ लिटल मो वाटर, थोड़ा पानी और मिला दीजिए. नेक्स्ट सेंटेंस आपका, यहाँ मत उतरो. ठीक है, अगर कहीं कोई जो उतरने की जगह नहीं तो इसके लिए आप बोलेंगे डोंट गेट ऑफ हेयर. क्या? डोंट गेट ऑफ हेयर. नेक्स्ट सेंटेंस है आपका कि मोमबत्ती बुझा दो. तो मोमबत्ती को बुझाने के लिए हम ब्लो आउट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ब्लो आउट. तो ब्लो आउट द कैंडल. नेक्स्ट है कि अपना हिसाब कर लो. क्या? अपना हिसाब कर लो. तो यहाँ पे क्लियर योर अकाउंट. क्या बोलेंगे? क्लियर और अकाउंट. नेक्स्ट सेंटेंस है कि यहाँ से चले जाओ. क्या? यहाँ से चले जाओ. तो गो फ्रॉम हेयर. क्या बोलेंगे? गो फ्रॉम हेयर. नेक्स्ट सेंटेंस है जल्दी ठीक हो जाइए. क्या? जल्दी ठीक हो जाइए. तो गेट वेल सून. क्या बोलेंगे आप? गेट वेल सून. नेक्स्ट सेंटेंस है कि खचपच मत लिखो, मतलब गलत मत लिखिए, साफ साफ लिखो. तो खचपच के लिए यहाँ पे डू नॉट स्क्रिबल, स्क्रिबल वर्ड का यूज़ करेंगे यहाँ पे. डू नॉट स्क्रिबल, राइट लेजिबली. क्या? राइट लेजिबली, साफ साफ लिखिए. नेक्स्ट सेंटेंस है कि मुद्दे पर आइए, मतलब सही बात पर आइए, मतलब बात से मत हटिए. इसके लिए हम कम टू द पॉइंट, किस वर्ड का यूज़ करेंगे? वर्ड्स का, कम टू द पॉइंट. नेक्स्ट सेंटेंस है कि अपने वादे से मत मुकरो. तो अपने वादे से मत, मतलब डू नॉट बैक आउट. यहाँ पे मुकरना है बैक आउट. ठीक है, डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस. क्या? डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस. नेक्स्ट सेंटेंस है कि ज़्यादा मत खाओ. क्या बोलेंगे? ज़्यादा मत खाओ. तो इसके लिए डू नॉट ओवर ईट. क्या? डू नॉट ओवर ईट. नेक्स्ट सेंटेंस है आपका कोई यहाँ है. क्या? कोई यहाँ है. तो इसके लिए इज समवन देयर. क्या? इज समवन देयर. नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर कि वहाँ कोई नहीं होगा. क्या? वहाँ कोई नहीं होगा. देयर विल बी नो वन. क्या? देयर विल बी नो वन. तो आज के लिए हमारे इतने ही सेंटेंसेस हैं, और स्पोकन के जितने भी आपको सेंटेंसेस बताए जाते हैं डेली डेली, आप उन्हें बार बार सुनिए. जब बार बार सुनेंगे तभी आपके ये माइंड में सभी बैठेंगे, और जब बार बार सुनेंगे तो ये सभी सेंटेंसेस जो हैं आपके एक हैबिचुअल ऐसा लगे आपकी हैबिट में, जो जैसे रूटीन में आप हिंदी बोलते रहते हैं वैसे आप इंग्लिश में भी चले जाएँगे. लेकिन इनको बार बार सुनना पड़ेगा आपको, इनको हैबिट्स में लाना पड़ेगा. जब हैबिट्स में लाएंगे तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे, और इसे आप हल्के से ना लें, क्योंकि इसे भी अपने लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा, तब जाकर आप इंग्लिश सही तरीके से सीख पाएंगे. तो आज के लिए इतना ही. जय हिंद. हाँ, और जो नए व्यूअर्स हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि आपको जो नई वीडियोस अपलोड हों वो वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे, और तुरंत आप उन वीडियोस को देख सकें और आप इन वीडियोस का लाभ उठा सकें. जय हिंद.